Hey guys, so finally हम आ गए हैं बिरला टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम जो बालीगंज फाड़ी के पास में है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको वीडियो करने में बता दूंगा कैसे आपको आना है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जस्ट जा रहे हैं बिरला टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम, तो वीडियो में आप बने रहो गाइस। तो गाइस हम आ गए हैं बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम जो 1959 में को इसका फाउंडेशन किया गया था। और यहाँ पे आपको टिकट काउंटर दिख जा रहा है, टिकट काउंटर। जैसे ही आप रोड से अंदर तरफ सिर्फ 2 मिनट वॉक करके आप आओगे तो आपको यहाँ पे टिकट काउंटर आपको मिल जाएगा। तो अभी जो टिकट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, टिकट यहाँ पर हेड 60 रुपीज़ करके पर हेड पड़ता है। और 5 ईयर्स बच्चे अगर 3 ईयर्स एबव हैं तो इनका चार्ज लगेगा, और 2 ईयर्स 3 ईयर्स बिलो हैं तो फ्री जा सकते हैं। तो उस दिन आप राइट हैंड में अगर आप चले जाते हो, सामने 2 बिल्डिंग आपको दिख रही है, तो राइट हैंड में जाते हो यहाँ बच्चों के लिए पहले आपको फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर बच्चों के लिए आपको मिल जाएगा, बहुत बच्चे इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप सामने की तरफ जाते हो तो वहाँ पर आपको साइंस की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो मिल जाएगी आप यूज़ करके देख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है साइंस की, जो यहाँ पे इसको आपको फ्रंट में आपको दिखाया जाता है कि इससे क्या बेनिफिट आती है क्या है। तो हम लोग ने आज रिसर्च किया कि हाँ चलो आज यहाँ आते हैं और यहाँ पे बिरला म्यूज़ियम जो है इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम, इसमें आज हम लोग साइंस का कुछ चीज़ देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे आप जो चंद्रयान 3 का भी यहाँ पे फ्रंट पे ही दिया गया है, चंद्रयान 3 का यहाँ पे एक आर्किटेक्चर बना के रखा गया है। और ये साइंटिस्ट जो चंद्रयान जाते हैं उनका ये पूरा लुक डिज़ाइन आप यहाँ पे एक फ़ोटो ले सकते हो साथ में, जैसा मैंने भी फ़ोटो लिया। और ये ऊपर की तरफ आप जाके नीचे की तरफ तो था ही ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर में आपको पॉपुलर साइंस जो काफ़ी मशहूर है यहाँ का, जैसे पहले गुड़िया घर भी इसको मशहूर था गुड़िया। ये देखो आप पानी ऑटोमेटिक गिर रहा है यहाँ पे जिसमें है, और ये बहुत सारे आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी। ये किसकी बहुत पुराना है, ये मुझे याद है जब मैं छोटा था तो भी आता था ऐसे सेम पानी यहाँ से गिरता था, जो मैंने भी यूज़ किया। आप हाथ जैसे ही लगाओगे यहाँ इस साइंस का, ये पहला पुराना टेक्नोलॉजी पानी गिरेगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल पा रही है, ऐसे बहुत ही अच्छे यहाँ पे आने से आपको पूरा फूड मूड फ्रेश हो जाएगा। कोलकाता में कहीं से भी आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो बिरला इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम। ये देखो आप इसको प्रेस करने से ये पारा टाइप का जो ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे मैंने एक और यूज़ किया जिसमें देखो आप ये हवा के जो एयर के ज़रिए बॉल को कैप्चर कर, जिधर भी आप लेके जाओगे उसकी हवा से ये बॉल उसकी तरफ रहेगा। तो ये एक देखने को मिला, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आके यहाँ पर देख सकते हो, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। और बच्चों को लेकर आने से आपको बेनिफिट क्या है कि बच्चे के भी दिमाग यहाँ खुलते हैं, तो चीज़ें में क्या टेक्नोलॉजी है इसमें क्या इसका है सारा कुछ लिखा हुआ है, आप उसको रीड करो और उसके बाद प्रेस करो बटन को तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो हम लोग अभी आ गए हैं किड्स जोन में, यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा बना के रखा हुआ है कि फुल इंजॉय, बच्चे 2-3 घंटे बच्चे यहाँ पर फुल इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर बना के रखा हुआ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप देखो एक घर की तरह बना के रखा हुआ है, टेडी बियर है, ट्रेन का एक अच्छा लुक यहाँ पे, एक झूला टाइप का लुक दिया गया है। प्लस आप यहाँ पे देखो ट्रेन एक बनाई गई है जिसको आप प्रेस करने ट्रेन की साउंड आती है इसमें, प्लस यहाँ पे स्मोक होता है तो ये काफ़ी अच्छा। देखो यहाँ पे सिग्नल टाइप का भी बनाया गया है, तो ये बच्चों के लिए है। और इसके अलावा आपको हम दिखाएं तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बच्चे इसको चले, सब साइंस की है किस तरीके से इसमें बच्चे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये 2 इयर्स के बच्चों के लिए है, इसमें जंप करें, बॉल बहुत सारी बॉल्स है, यहाँ बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। मेरे बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखो आप इसमें आपको टच नहीं करना चाहिए, अगर टच करेगा तो आपका 1 यहाँ पे लिख के आएगा। देखो जैसे मैंने टच हुआ मेरा 2 हो गया, तो आपको इस साइड से उस साइड जाना है विदाउट टचिंग, तो ये आपको यह करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको मैजिक ग्लास जिसके अंदर आप जाओगे तो थोड़ा सा आपको डर जैसा महसूस होगा, तो ये भी आप इंजॉय कर सकते हो, बड़े छोटे दोनों ही इंजॉय कर सकते हो। ये बच्चों के लिए एक छोटा सा घर सा बना के देख दिया गया, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बच्चे ऊपर नीचे दोनों इंजॉय कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छी साइंस की एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी दी गई, जो बॉल इसमें डालने के बाद बॉल यहाँ की तरफ गिरती है। इसके अलावा यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग साइंस के चीज़ जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बहुत सारे इंजन गियर। यहाँ पे एक मुझे कार मिली, आप देख रहे हो सामने की तरफ, इसमें आप बैठ के
कार का गियर चेंज करके आप अंदर की तरफ एक स्क्रीन दी गई है, जिस स्क्रीन में बैठ के आप इसके अंदर अपनी कार का एंजॉय ले सकते हो, आपको कार कैसे चलाना है। और बाहर की तरफ भी इसमें एक इंजन दिया गया, इसमें आप बैठ के गियर का ले सकते हो। ये कार की दी गई सिस्टम देखो, यहाँ पे एक स्क्रीन भी दी गई जिसमें आप देख सकते हो। सो यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऊपर की तरफ जो बिल्डिंग से निकल के हम दूसरी तरफ आएंगे सेकंड बिल्डिंग में, तो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे देखो पूरी, जैसे अगर आपको एक इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री बन रही है उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी होती है, एक पूरा विलेज है तो वहाँ पे कैसे, तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं कि आप इसको देख के समझ सकते हो। अगर एक घर है या कुछ भी जो भी आप है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। तो अब मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपको टाइम मिले ज़रूर बिरला म्यूज़ियम आ जाओ यहाँ पे, काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो भी साइंस में रिसर्च होता है यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे यूज़ किया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा आपको मैं जहाँ आया तो मैंने आज सोचा कि संडे है तो चलो इन्जॉय कर लेते हैं, तो संडे के दिन हम यहाँ पे आ गए हैं। तो करीब आपको यहाँ पे चार घंटे तो आपको लग ही जाएंगे, जब भी आप आओ तो 5 घंटे लो। और सबसे अच्छा क्या बताऊँ, टाइमिंग जो यहाँ की है ना वो मॉर्निंग 9:30 to 5:30 है, और संडे के दिन आपको 9 to 6 तक रहता है, तो संडे थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी आप देखो, ये आप देखो लुक यहाँ बनाया गया है, इधर की तरफ आप देख पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो। तो सबसे पहले बताऊँ, यहाँ आपको आने के लिए आपको बिरला बालीगंज पार्क रोड आना होगा, बालीगंज फाड़ी से थोड़ा पहले आपको उतरना होगा, और यहाँ पोला उबेर से भी आप डायरेक्ट आ सकते हो। सियालदा साहब काफ़ी करीब पड़ेगा, या आप यहाँ पे एक कोट मॉल है उसके करीब भी पड़ेगा, हल्दीराम नियर, हल्दीराम भी मशहूर है यहाँ का, आई लव हल्दीराम, तो वहाँ से भी करीब आप आ सकते हो। तो ये आप देखो यहाँ की तरफ देखो, काफ़ी अच्छा एक बड़ा बड़ा डिज़ाइन दी गई है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे आई लव हल्दीराम पासी में था, तो हमें यहाँ पे लंच कर लेते हैं। तो हमने एक शाही प्लेट हमने किया और एक मसाला डोसा हमने ऑर्डर कर दिया, तो हम लोग यहाँ पे ये लंच यहाँ पे हमने कर लिया। काफ़ी स्वादिष्ट मिलता है हल्दीराम का खाना, फूड जो होता है काफ़ी स्वादिष्ट होता है, बहुत टेस्ट होता है, यहाँ पर हमने कर लिया। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर कुछ नीचे में स्वीट्स वगैरह थी तो हमने वो चॉकलेट वगैरह खा ली। और यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे हल्दीराम के मशहूर हैं, तो बहुत चीज़ें यहाँ पे हमने एंजॉय की। ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर हल्दीराम के हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे है। तो उसके बाद फिर हम लोग बाहर की तरफ निकल गए और हमने अपनी कार बुक कर ली ऑनलाइन से, और हम लोग अपने घर की तरफ वापस जाते हुए। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल फन कोलकाता को सब करेंगे, ऐसे आपके लिए अच्छे ब्लॉग लेके आते रहेंगे। तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना कि अपने कोलकाता के ब्लॉग एंड मुंबई ब्लॉग्स और जहाँ जहाँ हम जाते हैं आपके लिए ब्लॉग लेके आते हैं। तो ये है आपकी हल्दीराम की बिल्डिंग जो आपको मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू।